सारे बस पहुंचने वाले हैं, उनके आने से पहले पहले चारों फाइल्स पहुंचाएं। बाय। आओ सरिश बैठो। बारे में नहीं आ गया, बस पहुंचने वाला है अभी, शायद रास्ते में कोई काम था उसे इसलिए लेट हो गया। तुम्हें बताया नहीं उसने? नहीं, मेरे से ऐसी कोई बात नहीं। यू नो व्हाट, सारिम की जब किरण के साथ मंगनी हुई थी तो सारिम को किरण के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। उसने तो ऑफिस पे भी ध्यान देना छोड़ दिया था और हर वक्त उसकी जुबान पे सिर्फ किरण 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 ही था। मैं ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि सारिम को तुम अपने साथ इतना इन्वॉल्व कर लो कि उसकी जुबान पे भी सिर्फ तुम्हारा नाम हो। आप फिक्र न करें, अगर वो किरण को भुलाकर मुझसे शादी पे राजी हो सकते हैं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब उनकी जुबान पर सिर्फ मेरा नाम होगा। तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद है। हालांकि तुम जानती हो कि सारिम तुम्हारे साथ कहीं जाता था भी नहीं, शॉपिंग पे जाता है और डिनर का भी तुम फोर्स करो तो वो जाता है। मंगनी के बाद का टाइम पीरियड इतना खूबसूरत होता है, कपल हनीमून प्लान करते हैं, अपनी पसंद की चीजें खरीदते हैं साथ में, डेट प्लान करते हैं, कभी रोमांटिक डिनर प्लान करते हैं और कभी सी साइड पे। यही सब कुछ होता है मंगनी के बाद। लेकिन अफसोस, सारिम तुम्हें ये सब प्रोटोकॉल नहीं दे रहा। बैड फॉर यू, आपको मेरे लिए बुरा महसूस करने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिएगा, वो दिन दूर नहीं जब सारे ये सब कुछ करेंगे मेरे लिए। ओके रियली मुझे ना तुमसे यही उम्मीद थी। होप फॉर द बेस्ट। काम में जा रही हूँ। बाय।